बिल्कुल चिराग पासवान होने ही चाहिए, इस बार युवा नेता ही जीतने चाहिए। अच्छा, बिहार से दो ही युवा चेहरा है, तेजस्वी और चिराग, तो आपको उसमें बेहतर कौन लग रहा है? बिल्कुल चिराग पासवान। चिराग पासवान, हाँ। और इस बार चिराग पासवान बहुत अच्छे कर्मठ उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अगर पारस जी खड़े होते हैं तो हम लॉस कर जाते हैं, और चिराग पासवान जी से यही का हम अपेक्षा करते हैं, अगर देसी पर ध्यान दिए तो फिर अगले बार उनको भारी बहुमत से जिताया जाएगा, वरना उनको आउट ऑफ रेंज कर दिया जाएगा। मतलब कि चिराग को भी अगर जनता हाजीपुर की मौका देती है तो उनको विकास और मौका मिला है। अच्छा, और मौका मिला है पहली बार, वो खड़े अगर नहीं उतरेंगे तो अगले 5 साल में फिर इलेक्शन होगी ना, फिर जनता उनको आउट ऑफ रेंज कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में क्या है हाजीपुर के जनता का मिजाज, इसको टटोलने के लिए हम देसरी स्टेशन पे अभी चढ़कर हाजीपुर तक का सफर तय करने चले हैं, और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे 20 मई को चुनाव होना है, तो अपने हाजीपुर आसपास, चूँकि आपको वैशाली जिला में भी 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पे जनता 2-3 लोकसभा क्षेत्र की सफर करती है, प्रत्येक दिन जाती है, इनका क्या है मिजाज, चूँकि इस बार वो मतलब किस मुद्दा को लेकर मतदान केंद्र पर वोट करने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे पहुंचेंगे, और मतलब कौन से नेता को अपने क्षेत्र से विजयी बनाएंगे जो कि सदन में पहुंचकर इनकी आम गरीब कुनबा की आवाजों को बुलंद करेंगे, इस बाबत हम जनता से डायरेक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या कहना है। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम अनिश कुमार। आप कौन सा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं? उजियारपुर। उजियारपुर, उजियारपुर में कैसा माहौल है इस बार, क्या लग रहा है आपको, मतलब कौन से पार्टी का जो है पता का फहरा? ये तो पार्टी का पता कैसे चलेगा, जनता का मतदान का है, अपना मत क्या है, जो भी जिनका दर्शन वोट देना होगा वो अपना देंगे, वैसे तो पता नहीं है किनका देना होगा, क्या होगा, कौन कौन देंगे, किसके में, किसी थोड़ी कोई राजनीतिक थोड़ी है कि बताया नहीं, लेकिन फिर भी ओवरऑल मोदी जी के कामों से अभी तक जो है, जो उन्होंने काम किया उसे आप संतुष्ट हैं? सब सही किए हैं, जो भी किए सब सही किए हुए हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। आप अपना नाम बताएं? श्याम सुंदर। आप कौन सा लोकसभा क्षेत्र? उजियारपुर। उजियारपुर, वहाँ पे मतलब क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या समीकरण रहने वाला है, क्या मतलब कैसा बीजेपी का कमल खिलेगा फिर से, या फिर मतलब कि आपको इंडी गठबंधन फिर से बीजेपी का कमल खिलेगा? इसी बीच हमारे साथ एक युवा है जो कि महिला सशक्तिकरण की मोदी जी अक्सर बात करते हैं, मातृ पूजा, तो हम जाने की कोशिश करेंगे इनसे कि क्या है। बोलिए, आप अपना नाम बताएं। बोलिए, आप अपना नाम बताएं। अपना हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से आपको कैसा माहौल लग रहा है, कांटे का टक्कर या एक तरफा देखने को मिलेगा? अब जो भी वो तो आपको बाद में पता चलेगा ही ना, वो तो पता चलेगा, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है बताएं, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है कि तेजस्वी जो वादे किए हैं वो आपके साथ खरा उतरेंगे या मोदी जी के विकास के साथ आप जाना पसंद करेंगे, बताएं? मोदी जी के विकास के साथ। मोदी जी के कामों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। क्या लग रहा है कि फिर से इस 2024 में सत्ता में आने पर क्या युवा के लिए क्या कुछ काम खास कर पाएंगे, रोजी रोजगार, रेलवे में वैकेंसियां निकाल पाएंगे क्या? बोलिए, युवाओं के लिए खासकर, क्योंकि SSC है, रेलवे है, काफी संख्या में युवा पढ़ लिखकर बेरोजगार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार फिर अगर 24 में अगर आते हैं तो खासकर रोजी रोजगार है, बम्पर वैकेंसियां निकाले जिससे युवा जो है बेरोजगार, जिनको रोजगार मिले जो पढ़ लिख रहे हैं? वैकेंसी का तो अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी वो निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं, वैकेंसी तो बहुत निकलता है लेकिन बहाली बहुत कम ही होता है ना, तो वैकेंसी के बारे में अभी हम कैसे बताएं? आपको क्या लग रहा है कि अभी तक जो विकास का काम हो रहा है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो मतलब मोदी जी का जो कंसेप्ट है, या छोटे छोटे उद्यमी वर्गों के लिए जो है बिजनेस करने के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है, या जो भी काम है धरातल पे उतरा है क्या? हाँ, ऐसे तो वो बहुत कुछ दिए हैं और अभी बहुत सारे योजना भी चलाए हैं मोदी जी। अच्छा,
तो मतलब इस बार चिराग पासवान लग रहा है कि हाजीपुर में जिसे रामविलास पासवान को यहाँ के जनता ने प्यार दुलार दिया है तो फिर उनको मौका दे सकते हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान होने ही चाहिए, इस बार युवा नेता ही जीतने चाहिए। अच्छा, क्योंकि बिहार से दो ही युवा चेहरा है, तेजस्वी और चिराग, तो आपको उसमें बेहतर कौन लग रहा है? बिल्कुल चिराग पासवान। चिराग पासवान, हाँ। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या मतलब किस तरह का माहौल चल रहा है। मेरा नाम धीरज कुमार जायसवाल। आप कौन से लोकसभा क्षेत्र से आते हैं? हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र। आपने हाजीपुर में, आपको क्या लग रहा है किस तरह का समीकरण रहने वाला है इस बार? मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, हमें राम राज लाए हैं और इस बार चिराग पासवान बहुत अच्छे कर्मठ उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अगर पारस जी खड़े होते तो हम लॉस कर जाते हैं, और चिराग पासवान हमारे संसदीय क्षेत्र में आए हैं तो वो रिकॉर्ड बोर्ड से जीतने वाले हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि लॉन्ग टर्म आपको हाजीपुर क्षेत्र की जनता को एक युवा चेहरा, एक युवा नेता मिलने जा रहा है? बिल्कुल। लेकिन जमुई दो टर्म सांसद रहे हैं, वहाँ पे क्या उन्होंने काम किया? इससे पहले उनके चाचा भी यहाँ से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे, तो क्या आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? जितना भी प्रतिनिधि हमारे मोदी जी खड़े किए हैं अभी तक, वो बड़ी सोच समझ के खड़ी हैं, और कांटे की टक्कर हमारे बिहार में तो है ही। और जहाँ तक सवाल है जमुई का, जमुई की जनता भी चिराग पासवान से बहुत खुश है, और यहाँ उन्होंने सिर्फ पारस जी के जहाँ से सवाल तक आप बताएं कि पारस जी यहाँ से काम किए कि नहीं है, वो बाबा हैं, कोरोना में हमारे यहाँ आए नहीं थे। जब रामविलास पासवान जी जिंदा थे तब उन्होंने अपना वोट इनके अपने प्रतिनिधि सुना था, तो उनकी बातों को रखा गया था। उन्होंने सिर्फ अपने देश के लिए, हमने सुना है सिर्फ मोदी जी के लिए कि उनके 400 पार करना है तो करना है। एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन को अगर सत्ता में आता है तो 15 लाख युवाओं को तुरंत रोजी रोजगार वैकेंसियां निकालेंगे, और मोदी जी आपको क्या लग रहा है कि वो वैकेंसी निकालने में क्यों कतरा रहे हैं, मतलब क्या कमी रह जाएगी? सबसे पहले तो जितना युवा है हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नौकरी के फेर में मत रहें, चूँकि हमारे मोदी जी कहे हैं आत्मनिर्भर भारत। हमने पढ़ लिख के, हमने जो पढ़ा लिखा कि ये किसी के अंडर में काम करने के लिए नहीं, बल्कि हम 10 लोगों को रोजगार दे सकें, इसके लिए हमने काम किया है, और हम 10 लोगों को घर चला सकें, आत्मनिर्भर भारत बन सकें, और हम किसी के अंडर में क्यों रहें? हम किसी के अंडर में क्यों? आत्मनिर्भर भारत बनिए। नौकरी आज इलेक्शन के समय आया है तो पक्ष विपक्ष दोनों आदमी लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग नौकरी कीजिए, इतना वैकेंसी देंगे वगैरह वगैरह झूला, ऐसा कुछ मत कीजिए। हमारा अभी तो पूरा भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड हमारा नाम रोशन किए हैं मोदी जी, और आधा पाकिस्तान मैं लेकर रहूँगा जब वो 2029 में हमारी सरकार फिर के आएगी। क्या लग रहा है आपको मोदी जी के आने से वैश्विक स्तर पर आपका भारत का नाम सामरिक और आर्थिक हर दृष्टिकोण से जो है सुदृढ़ हुआ है क्या? जब हमारे वर्ल्ड गुरु के नाम से विख्यात हो गया और हमारे देश आर्थिक दृष्टि में तीसरा स्थान आने वाला है, तो मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, ये होगा तो होगा। खासकर अपने बिहार में 40 सीटों पे क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या रेशियो रहने वाला है? अब ये रेशियो करना बहुत मुश्किल है 40 सीटों पे, लेकिन सब दल ने बताता है कि मैं 40 सीट तो 40 सीट लेता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्मठ उम्मीदवार होगा वो लेकर आएगा, वो 40 हो, 39 हो, 30 हो, लेकिन परसेंटेज में हमारे यहाँ आएगी। देश में सबसे ज्यादा युवा आबादी है और युवा पढ़ लिख कर अगर बेरोजगार हैं, तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि 4 जून को मोदी जी मतलब एनडीए गठबंधन 400 पार? युवा की सोच है, चारों तरफ एक ही छत्र छाया है, एक ही नजर आता है, एक ही आवाज है, वो है मोदी जी। मैं देशरी से, ठीक है, जहाँ तक कि आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, संसद के लेके, चाहे जो भी विधानसभा क्षेत्र के लेके, लोकसभा क्षेत्र के, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी अपने वादे पे खड़े नहीं उतरती है, ठीक है, इलेक्शन के सामने बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन कोई भी पार्टी जो है कि अपने वादे पे खड़ी नहीं उतरती है। और इसका ये रीज़न है कि अभी हम लोग मोदी जी को कहते हैं कि 400 के पार, तो रेशियो तो अभी तक हम लोग ये नहीं आंकड़ा लगा पाएंगे कि क्या माने होने वाला है, क्योंकि जो हमारा मतदान होगा, मन का मतदान होता है, ठीक है, हम किसी भी पार्टी को, हम प्रेशर में नहीं, कोई भी आएगा उम्मीदवार तो ये कहेगा कैंडिडेट कि हम ये दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, हम अपने मन से मतदान करेंगे, इसीलिए नोटा ही बनाया गया है ना, कि किसी को मन नहीं तो अपना नोटा भी दबा सकता है। जब आपको उम्मीदवार पसंद नहीं है पक्ष विपक्ष, आप नोटा भी दबा सकते हैं कि हाँ हमारे क्षेत्र के कोई भी जो उम्मीदवार खड़े हैं हमारे मापदंड पे खड़े नहीं। 5 साल सबको राज मिला,
काम करने के लिए। आज पारस जी हमारे यहाँ काम करते हैं हमारे संसदीय क्षेत्र में, तो आज बेफिक्र वो लीड कर सकते थे, ठीक है ना, चाहे शिव चंद्र राम हो या कोई भी आदमी हो। अगर हमारे क्षेत्र में खासकर देसरी, देसरी एक ऐसा जगह है जो रामलीला पासवान का गढ़ रह चुके हैं और उस पर कोई व्यक्ति को ध्यान नहीं है। चिराग पासवान जी से यही का हम अपेक्षा करते हैं, अगर देसरी पर ध्यान दिए तो फिर अगले बार उनको भारी बहुमत से जिताया जाएगा, वरना उनको आउट ऑफ रेंज कर दिया जाएगा। मतलब कि चिराग को भी अगर जनता हाजीपुर की मौका देती है तो उनको विकास और मौका मिला है। अच्छा, और मौका मिला है पहली बार, वो खड़े अगर नहीं उतरेंगे तो अगले 5 साल में फिर इलेक्शन होगी ना, फिर जनता उनको आउट ऑफ रेंज कर दिया जाएगा। आपको शिव चंद्र राम भी तो आपके क्षेत्रीय नेता है, तो क्या लग रहा है वो क्षेत्र के विकास नहीं कर पाएंगे? वो विधायक जब राजा पाकर के विधायक थे, जब राजा पाकर विधायक थे उन्होंने काम किया था, तो क्या उनको फिर जिताया नहीं था? उनको किस लिए नहीं जिताया? उनको खुद आत्मा थी अंदर से है कि मैंने काम नहीं किया। अब जनता काम खोजती है। क्या लग रहा है कि अपने बिहार में, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में जातिगत आधारित राजनीति होती है, तो लोग इस बार जात पात से ऊपर उठ के वोट करने जा रहे हैं या फिर देखिए यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो, अगर जाति समीकरण नहीं रहता तो ये हमारे पक्ष विपक्ष जितना भी हमारे लीडर लोग हैं वो जात के नाम पे ये वोट नहीं गिराते हैं, चुनते कैंडिडेट को नहीं। अगर इस तरह की बात रहती तो जाति समीकरण नहीं बैठाते हैं। जाति समीकरण बैठा कर लोग जानता है कि कौन जात कितना कहां पर है, उसका समीकरण लाता है, उस तरह से लीडर को खड़ा करते हैं ताकि बहुमत हमको पास आ जाए। इसी बीच एक और है, बोलिए। संजीव कुमार आपको क्या लग रहा है हाजीपुर में इस बार क्या होने जा रहा है? आपको लग रहा है कि एक तरफा मतलब चिराग को वोट पड़ने जा रहा है या शिव चंद्र राम यहाँ से निकल रहे हैं? इसके बारे में उतना हम नहीं जानते हैं। आप कौन से लोकसभा क्षेत्र में आते हैं? आप तो है हाजीपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र में ही आते हैं, फिर भी आपको क्या लग रहा है? अपने आसपास इस बार का क्या माहौल है? आप अपने माइंड को किस तरह से सेट किए हैं, मतलब विकास के साथ जा रहे हैं या फिर रोजी रोजगार के साथ? ये अभी कुछ नहीं बता सकते हम। हम भी अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। देखिए बताएगा कि कौन सा लहर, तो दोनों ऐसा ही है, दोनों बराबर आग लगी नहीं है कि रातों रात माइंड चेंज होगा, वो तो वक्त बताएगा क्या होगा नहीं होगा। अभी हम किसी को किसी के क्षेत्र के बेहतर नेता बन पाएंगे अब क्या बोले हम, वक्त बताएगा, अभी नहीं कह सकते कुछ। ठीक है, कुछ और लोग हैं हम जाने की कोशिश में, आप अपना नाम बताएं। सुष्मिता ठाकुर। आपको क्या लग रहा है इस बार अपने हाजीपुर में महामुकाबला एक तरफा देखने को नहीं बोल सकते। लेकिन चिराग पासवान आपके लोकप्रिय नेता हैं, युवा हैं या शिव चंद्र राम? क्या एक्चुअली मुझे पता नहीं, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ इसीलिए। फिर भी मोदी जी के कामों से अभी तक आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत। हाँ आप देख रहे थे वेब समाचार विवेकानंद के साथ।